तो आज मैं और एक गिटार का रिव्यू करने वाला हूँ। ये गिटार भी बिगिनर्स के लिए ही है। ब्रांड है ब्लूबेरी, आप देख सकते हैं। तो क्या खास बात है इस गिटार में और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बाकी सारे डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो सेमी एकॉस्टिक गिटार है, ये भी फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है और इंटर्न फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ज्वेरस और यह है ब्लूबेरी, सारे लगभग एक ही कैटेगरी के गिटार हैं, क्वालिटी लगभग सेम ही है। तो इस गिटार का क्या खास बात है, आप लोग इसको क्यों लें, है ना, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये गिटार फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय और ये ब्लूबेरी गिटार, ये बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस गिटार पे भी नॉब सिस्टम है, है ना, ये एक्चुअली अच्छा रहता है गिटार के लिए। तो और इंटर्न गिटार और ज्वारस गिटार में क्या था, आपको स्ट्रिंग्स यहाँ से घुसाना पड़ता था इस तरीके से, और यहाँ पर नॉब सिस्टम है जो कि अच्छा है गिटार के लिए। तो और हाँ, ये जो ब्रिज है ये प्लास्टिक का ही है, वुड का नहीं है। तो इस गिटार का मॉडल है ब्लूबेरी BD38, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो मैंने रिव्यू किया था गिटार का, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का, ज्वारस का और इंटर्न का, तो उनके प्राइस और इस गिटार के प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस गिटार का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 100-200 ज़्यादा रहता होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें एक खास बात है, इस पर ट्रस फ्रॉट एडजस्टेबल सिस्टम है, यहाँ से होल है और यहाँ से आप लोग ट्रस फ्रॉट लगा के आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही एक खास बात है इस गिटार में। और हाँ, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय गिटार और इस गिटार का जो सेम थिंग है कि वो ये है कि इसका एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हाई है इंटर्न गिटार के मुकाबले। तो इस गिटार के साथ क्या क्या मिलता है वो आप थोड़ा देख लीजिए। एडजस्टेबल ट्रस रॉड है, इसको आप यहाँ से लगा के गिटार की एक्शंस को ठीक कर सकते हैं। कभी अगर एक्शंस हाई हो जाए तो बजाने में बहुत दिक्कत होता है और 2-1 साल बाद ये प्रॉब्लम इस तरह के गिटार में आ जाता है, जो कि मतलब लो प्राइस का गिटार है, 2-2500 का गिटार, तो सब गिटार में नहीं आता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो एक्सपेंसिव गिटार है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है, उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दी है इस कंपनी ने, तो इससे आप जो है एक्शन को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और रही बात साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी तो लगभग मतलब बाकी जो इस प्राइस के गिटार है, ब्लूबेरी, इंटर्न, ज्वेरस और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय, ये सब गिटार का साउंड क्वालिटी लगभग सेम ही है और एक ही तरह का बिल्ड क्वालिटी है अब, ठीक है। तो देखते हैं साउंड क्वालिटी। साउंड है तो साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, साउंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और हाँ, एक बात, कभी कभार किसी का गिटार शायद प्रोडक्ट कभी कभार खराब आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए सारे गिटार खराब है। मैंने जितने भी रिव्यूज किए हैं उनमें सारे गिटार अच्छे ही थे, मुझे तो कोई
डिस्पूट नजर नहीं आया, पर कभी कभार आ जाता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि उनके गिटार का साउंड ऐसा नहीं आ रहा है, तो कभी कभार हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं बताऊँ तो आप जरूर इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल रॉड है और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है ही, और लिंडनवुड का है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, बिगिनर्स के लिए सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इनको, इस गिटार को तो 7,500 का गिटार से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज में बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ बेस्ट है। बाकी जो मैंने रिव्यू किया था वो भी अच्छा है, पर इसको क्यों लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल रॉड है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी तो आपने देख ही लिया, थोड़ा सा लीड बजा के देखते हैं। अच्छा क्वालिटी है, आप जरूर इसको परचेस कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। तो मैं कहूंगा कि आप 100-150-200 रुपए ज्यादा लगा के ये गिटार आप जरूर खरीद सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है दोस्तों, साउंड क्वालिटी अच्छा है तो आप इसको जरूर परचेस करें दोस्तों। तो यही कहना था, तो मेरे चैनल में आप लोग दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा, और कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।